जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं लेके आया हूँ आई के मेडिकल पे, कि आपका जो आंख का मेडिकल होता है वो कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो आईज है वो 6x6 है या 6x9 है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे होगी, तो उसके लिए मैं आपको आज पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। साथ में भी एक कलर विजन का जो या कलर ब्राइंडनेस का जो प्रॉब्लम होती है वो टेस्ट भी आपका मैं अभी करने वाला हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने आप को जांच लीजिए। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या आप RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसकी आई साइड कैसी होती है और कितनी होनी चाहिए, सही वास्तविक सही क्या है जब आप पास हो गए, और कितनी आपकी आई साइड है ये आप इस वीडियो के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही एक बात बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन है हमारा खुद का, उसको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और हर रोज रेगुलर SSC GD के लिए आर्मी के लिए तैयारी कर सकते हो लाइव क्लासेस ही, ठीक है दोस्तों। साथ ही हमारा दूसरा जो चैनल है वही कमांडो अकेडमी के नाम से, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आई साइड होती क्या, आपने काफी बार सुना होगा कि 6x6 ये जो आई साइड होती है ये बिल्कुल परफेक्ट होती है, यानी आपकी आई साइड इस लेवल की होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए जिनकी आई साइड 660 होती है वो इतना बड़ा अक्षर देख पाते हैं 1 मीटर दूरी से, 1 मीटर की दूरी से। ये देखिए ये आते हैं 630 की, ये जो है वो जिनकी 615 है वो ये देख सकते हैं, जिनकी 6x12 है वो ये देख सकते हैं, और दोस्तों बता दूं जिनकी 6x9 है ये यहाँ तक गलत मानी जाती है। ये सभी के सभी अगर आपकी आई साइड इस लेवल की है तो आपको इसको पूरा का पूरा गलत माना जाएगा और मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपकी आई साइड फिर होनी कितनी चाहिए, आपकी आई साइड होनी चाहिए 6x6, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपकी आई साइड 6x6 है तो कहने का मतलब ये वर्ड आप आसानी से पढ़ सकते हो, 6x3 है तो इन वर्ड को भी आप 1 मीटर की दूरी से आसानी से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो आप ये कहाँ से लोगे, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप को जान सकते हो 1 मीटर दूर करके कि क्या आप इसको पढ़ पाते हो या नहीं। अगर आप इस लेवल तक पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आई 6x6 है आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो आई साइड जो 6x6 होती है, 6x6 को एक दूसरा नाम भी 20x20 आई को बोलती है, यही कहने का मतलब है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने पिछले में बताया था, अगर इतना बड़ा एसी का छोटा बड़ा रखा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आई साइज 6x6 है नहीं, यानी आपकी आई साइज 6x6 होनी चाहिए। अब कलर विजन क्या है दोस्तों, कलर विजन क्या है, इस प्रकार से आपको नंबर दिखाए जाते हैं डायरी में, वहां पर आपके सामने डायरी रखी जाती है, उसमें आपको एक नंबर दिखाया जाता है, आपको पहचानना है ये कितना नंबर, आपको इसमें कितना नंबर नजर आ रहा है, इसमें एक नंबर। दोस्तों मैं बता दूं जिनको कलर ब्राइंड नहीं होता वो हरा, जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन और रेड इन कलर में वो डिफरेंट नहीं कर पाते, इसीलिए ये ग्रीन और ये रेड से मिलता हुआ कलर दिखाया जाता है, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको नहीं देख पा रहे होंगे अभी भी जिनके कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम। साथ में ये देख लीजिए यहाँ पर भी ग्रीन और रेड दिखाया गया अलग अलग तरह से, ताकि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की कोई प्रॉब्लम होगी आसानी से पकड़ा जाएगा। ये इसमें सी लिखा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है इसमें सी लिखा हुआ है, तो यही आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और बताइए कि इसमें कितना लिखा, जल्दी से बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें, देखिए इसमें लिखा हुआ है 12, अगर आपको दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चित रहिए। देखिए और भी एक कुछ पिक्चर इसमें देखो, जैसे 12 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें लगा दो 6 लिखा हुआ है, आपको लिखा इसका मतलब है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उनको रेड और ग्रीन कलर में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ये कलर नजर नहीं आती, इसीलिए जो कलर दिखाया जाता है देखिए रेड और ग्रीन टाइप का कलर दिखाया जाता है, ताकि वो वहां पर पकड़ा जाए कि हाँ उसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो रहा है। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और बताइए अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाए। जय हिंद।